बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पोटैटो पैनकेक तैयार कर रही हूँ। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रहते हैं और टी टाइम में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। पोटैटो पैन केक तैयार करने के लिए एक बाउल लेना है और उसमें पानी डाल देना है तकरीबन 1 से 2 कप और दरमियाने साइज़ के 2 आलू ले लेने हैं और उन्हें क्रश कर लेना है। वो इस पानी में डाल देने हैं। और छोटे साइज की एक प्याज ले लेनी है, इसे भी क्रश कर लेना है, ये भी इसमें डाल देनी है। और अब इसे पानी में इस तरह से करके और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पड़े रहने देना। अब इस तरह सारा पानी निकालने के बाद फिर दोबारा से इस तरह हाथों से इस तरह निचोड़ लेना ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। बहुत खुश कर लेना है इस तरह से। अब इसे अलग बाउल में रखते जाना है। ये देखिए, अब इसमें से बिल्कुल पानी को निकाल दिए। अब अलग बाउल में एक चेक करके अंडा डाल देना है। नमक 1/2 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन का 1 जवा और इसे पीस लेना है। ऑल पर्पज फ्लोर यानी मैदा 1.5 टेबल स्पून, ये भी इसमें डाल देना है। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब इसमें ये आलू डाल देने। अब इन आलू को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इस तरह से स्पून की मदद से ये इस साइज में 1 टेबल स्पून, लेकिन भर कर इस तरह भरते जाना है और फ्राई पैन में इन्हें शैलो फ्राई करते जाना है। मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई पैन रखना है और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। इस तरह टेबल स्पून है लेकिन ये भर कर है। अब इसे इस तरह फैला देना है। आप चाहें तो छोटे साइज में भी बना सकते हैं, बड़े साइज में भी बना सकते हैं। अब इसकी एक साइड को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसी में फ्राई होने देना है। बहुत खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ चुका है। अब इसकी दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई होने देना है।
अब इसकी दोनों साइडें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, गोल्डन ब्राउन बहुत खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। अब इसे निकाल लेना है प्लेट में। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पोटैटो पैनकेक तैयार हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।